कि क्या सोसाइटी को भी अपना एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि हर सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गाइडलाइन बनाने, जो फैक्ट्री का सेक्टर है या तो अलग अलग जहां सेक्टर है वहां पर हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं जिसको आईएसओ स्टैंडर्ड करते या अलग अलग स्टैंडर्ड से कहते हैं, जहां पर ना सभी सारे प्रोसेसेस ये बहुत डिफाइंड होते हैं। तो ये एक बीएमसी ने कुछ दिन पहले एक सभी को एक नोटिस भेजा कि अभी सोसाइटी ने भी आगे आकर इसके अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ये सार्वजनिक आरोग्य या पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर कोई हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम सब लोग मिलकर आकर अगर ये कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम सब लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ये दृष्टि से उन्होंने ये कहा और फिर हमने सोचा कि सोसाइटी अपने स्तर पर क्या कर सकती है। तो ये एक कसम का गाइडलाइन सोसाइटी के लिए या एसओपी हम जिसको कहेंगे उसको बनाने की मैंने कोशिश की है। तो इसका इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमारे सोसाइटी में जितने सारे लोग रहते हैं ये सुरक्षित रहे, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इनको प्रोटेक्ट करना हमारा सबका फर्ज है। दूसरा हमारा फर्ज क्या है कि ये जो प्रादुर्भाव है, ये जो इन्फेक्शन है, इसको बढ़ना नहीं देना चाहिए। ये एक हमारा दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये एसओपी किसको लागू होगा या इसका स्कोप क्या है? तो हमारे सोसाइटी में फिलहाल जितने मेंबर्स हैं और जितने लोग रह रहे हैं, मान के चलो कि 100 फैमिलीज रह रहे हैं और उनके पांच पांच मेंबर है, तो 100 × 5 500 लोगों के लिए इसका एक स्कोप रहेगा। तो ये पहला इनके लिए लागू होगा, नंबर एक। और दूसरा, हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी लोग विजिट करेंगे, वो चाहे वो सोसाइटी में आने वाले के किसी के रिश्तेदार हो, चाहे वो मेड सर्वेंट हो, चाहे वो गाड़ी धोने वाला ड्राइवर हो, चाहे वो वेजिटेबल बेचने वाला वेंडर हो, तो ये सभी के लिए जो भी हमारे कंपाउंड के अंदर आएगा सोसाइटी के, ये सारा एसओपी उसको लागू हो जाएगा। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी जो बीएमसी ने जो सर्कुलर भेजा है तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हर सोसाइटी में एक चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो ये जो बॉडी बनाई है तो ये प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक जवाबदारी ये उनकी है। या फिर सोसाइटी ऐसा कर सकती है कि इसको इम्प्लीमेंट करने का या तो करने की जिम्मेदारी सोसाइटी में से कुछ लोग वो चुन सकती है और उनको कह सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि नहीं आप इसके ऊपर ध्यान दें और आप इसको मॉनिटर करें। तो ये बहुत जरूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर फिक्सअप करना, ये बहुत मुझे लगता है सोसाइटी की तरफ से जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको ट्रेनिंग करना है। हमको किसका ट्रेनिंग करना है? हमको जो वॉचमैन और सिक्योरिटी है इनका ट्रेनिंग करना है। ये जो लोग राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उनके लिए करना है। जो सोसाइटी में यह व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए सोचना पड़ेगा कि अलग से क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वॉचमैन और सिक्योरिटी होते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि वो ये जो लोग हैं, ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, यहाँ के भाषी वो नहीं है, या तो फिर तो उनको थोड़ा उनका जो राइट या ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो ट्रेनिंग करने से पहले ना ये हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे जो वॉचमैन या सिक्योरिटी लोग हैं वो पढ़ सकते हैं कि नहीं, कौन सी भाषा पढ़ सकते हैं, भी पढ़ सकते हैं कि नहीं, और वो लिख सकते हैं कि नहीं, और कौन से भाषा में लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है हमको आगे चल के, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो होना चाहिए। या और ट्रेनिंग और किसका होना चाहिए कि जो लोग ये इम्प्लीमेंट करने वाले पॉलिसी, इनका भी हमको थोड़ा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपके हर एक सोसाइटी में डॉक्टर्स हो गए या नर्सेस हो गए या जो भी कोई एक्सपर्ट आपको लगता है उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर उनको टेक्निकल भी अगर मिल गया तो ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा रेसिडेंट जो है उनको क्या करना है, हमारे जो लोग रहते हैं वहाँ सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको सबको ना आरोग्य सेतु का जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने बनाया है वो सबको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। ये एप्लीकेशन क्या है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जो जानकारी भरते हैं एप्लीकेशन में, उसमें से आपको इन्फेक्शन का कोई लक्षण है क्या, ये आपको फौरन पता चलता है। अगर ये कोई लक्षण भी अगर होगा तो इसका इंफॉर्मेशन नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है उसको इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि एक्स वाई जेड एरिया में, एक्स वाई जेड घर में, एक्स वाई जेड आदमी के पास या औरत के पास ये पर्टिकुलर। तो ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि ये हमारे पास में होना चाहिए। अच्छा, सबके पास में अगर ये सुविधा नहीं है
एंड्रॉयड फोन नहीं है, या बच्चे हमारे नहीं इस्तेमाल कर सकते, या महिलाएं शायद कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकती, या तो सीनियर सिटीजन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके जिम्मेदारी है कि ये सारे जो सिम्टम्स है ये हमारे घर में के फैमिली मेंबर में किसी को है क्या, ये कौन से लक्षण है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर इतनी सारी जानकारी आई है, आप सब लोगों को इसके क्या लक्षण है ये मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, ये सब आप जानते हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन में लिखा है, तो वो आप इसमें से जान सकते हैं। इसमें से एक भी लक्षण ये आपको मान के नहीं चलना है अपने पर, ये मामूली लक्षण है, ये लक्षण हो सकता है कोविड का और इससे प्रादुर्भाव हो सकता है। देखो सबसे पहले कौन प्रादुर्भाव होगा, सबसे पहले इन्फेक्शन कौन होगा, हमारे घर के दूसरे जो लोग है उनको इन्फेक्शन होगा, तो सबसे पहले ना उनका बचाव करना बहुत जरूरी है। नो सूनर जैसे ही आपको ये कोई भी अगर आता है तो इमीडिएटली आप नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है उनके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आपके सोसाइटी जो मेंबर्स है ये अच्छा रहेगा कि उनको भी आप इंफॉर्मेशन दे। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, इसमें स्टिग्मा करने का कोई बात नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। जितना जल्दी से जल्दी ये हम सोसाइटी के मेंबर्स को हम बताएंगे ताकि बाकी सारे लोग इससे बच सके। अगर हम शर्मा गए कि नहीं तो कैसा होगा, तो आपके फैमिली मेंबर्स भी खतरे में होंगे और बाकी भी लोग खतरे में होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विजिटर जो है इनका स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है ना, विजिटर है। अब ये विजिटर कौन हो सकता है, जैसा मैंने कहा ड्राइवर हो सकता है, आपका मेड सर्वेंट हो सकता है, आपके रिश्ते ये जो लोग रह रहे हैं उनका रिश्तेदार हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। अच्छा इनको इनको कब स्क्रीन करना है, इनको रोज स्क्रीन करना है, ऐसा नहीं है कि ये कल ठीक था तो आज इनको स्क्रीन करना है कि नहीं करना, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन के बाद कभी कभी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी उसके चिन्ह सिम्टम दिखाई देते हैं, तो इसको स्क्रीन करना। जो भी विजिटर है उसका उम्र लेना बहुत जरूरी है और उसका पता करना बहुत जरूरी है। उसका पता इसलिए लेना है कि वो व्यक्ति किस एरिया से आया है, वो कंटेनमेंट जोन में है, रेड जोन में है या नहीं है, वहाँ प्रादुर्भाव की क्या परिस्थिति है। आपको भी थोड़ा इसमें अंदाजा लग सकता है कि अरे वो एरिया में से अगर कोई आ रहा है जहाँ पर प्रादुर्भाव ज्यादा है तो ज्यादा हम एक्स्ट्रा कॉशन भी उसके अंदर ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि वॉचमैन हमारा पढ़ सकता है कि नहीं, ये उसको पूछना है और रिकॉर्ड करना है। सी रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और बीएमसी ने कहा कर मुंबई में कहा है कि हम ये रिकॉर्ड आप बना रखिए, हम आके चेक करेंगे। और सभी के लिए मुझे ऐसा लगता है सभी सोसाइटी अगर ये बिहेवियर अपने आप में डाल दे कि इसको रिकॉर्ड करे तो ये मॉनिटरिंग के लिए आपके सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैंने आपको एक फॉर्म में बताया तो मैं फॉर्म के जब लूंगा तब उसके अंदर आपको मैं डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन ये वॉचमैन ने लेना जरूरी है। और ये हमको देखना है अगर वॉचमैन रोटेशन बेसिस पे आ रहे हैं तो हमको सारे वॉचमैन को ट्रेनिंग करना है, तो शायद ट्रेनिंग हमारा 2 बार या 3 बार होगा, लेकिन सभी वॉचमैन को ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जैसा मैंने पूछा कि कुछ चीजें हमको पूछना है उनसे, उसके अलावा कुछ हमको थोड़ा स्किल उस वॉचमैन को भी देना जरूरी है, थोड़ा हुनर भी देना जरूरी है। एक यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप मान के चलो कि मुझे बुखार है लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मुझे बुखार नहीं है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है और सारे जगह पर बड़े बड़े कारखानों में अस्पतालों में खासकर अभी इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये सिंपल है, बगैर पेशेंट को टच करे, बेजन पेशेंट को थर्मामीटर उसको लगाए हुए आपको ये थर्मल स्क्रीनिंग से उसको टेम्परेचर है या नहीं, बुखार है या नहीं उसको पता चलता है। उसको अगर बुखार है तो आप कहेंगे कि भाई आप हमारे सोसाइटी में जाके अस्पताल में जाके बताइए, ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा ना एक बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सीजन लेवल चेक करने का, पल्स ऑक्सीमीटर। ये इसके अंदर आप अगर देख रहे हैं, अगर इसमें अगर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बताया है, इसके अंदर सिर्फ आपको उंगली रखना है, अक्षर आ जाएंगे उस पर से पता चलेगा कि उसके खून में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है। आपको अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये कोविड का जब इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत जब फैल जाता है तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर ये 90 से अगर कम है, इसके अंदर ना 2 चीज बताता है पल्स ऑक्सीमीटर, आपका पल्स रेट बताता है और आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन बताता है। तो ये हमको ट्रेन करना पड़ेगा उसको कि इसको पढ़ना कैसा है, ये अक्षर उसको समझ में आना चाहिए हमारे वॉचमैन को। तो 90 से अगर कम है इसका मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया है, हो सकता है इसका इन्फेक्शन हो, इसको इमीडिएटली डॉक्टर की जरूरत हो। तो ये हुनर, कुछ सिक्योरिटी को मैंने जैसा कहा कुछ चीजें पूछने हैं,
और कुछ चीज देखने हैं। ये स्किल हमारा बचपन सिक्योरिटी बनाना जरूरी है और ये हमको उनको ट्रेन करना है, ये अपने आप नहीं आएगा। ये सिक्योरिटी लोग ज्यादातर उनकी उम्र ज्यादा हो है, ये ज्यादा है और ये पढ़े लिखे भी उतने नहीं होते, तो ये सारा हमें बहुत करना पड़ेगा। हमारा हेल्थ का, सोसाइटी का ये गेट कीपर है, तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसा ही कोई हमारा विजिटर घर के अंदर आएगा तो उसको और पानी से गेट के ऊपर आप उसका प्रावधान कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड साबुन और पानी से अगर कोई हाथ धोता है तो वो बिल्कुल टेक्निकली सेफ है, उसमें घबराने का कोई बात नहीं। और सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर का भी थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन आपको अगर सैनिटाइजर मिल गया तो वो भी अच्छा रहेगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि सैनिटाइजर आप जो खरीद रहे हैं उसमें 60-70% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। इतनी मात्रा अगर होगी तो ही वो विषाणु वो खत्म हो सकता है। और मास्क उसको लगाना है, तो ये सारे चीजें। तो वॉचमैन को आपको क्या करना है, उसको कुछ सवाल पूछने हैं, पहले नाम वगैरह लेना है, सवाल पूछना है, उसका टेम्परेचर देखना है, उसका ऑक्सीजन लेवल देखना है, उसको कहना है कि हमारे सामने भाई यहाँ पर आप हाथ धो साबुन से या तो सैनिटाइजर के साथ में करना है, उसको मास्क आपको देना है या उसका भी मास्क अगर होगा उसके बाद में ही आपको उसको एंट्री देना है। ये आपको ये जिम्मेदारी ये वॉचमैन के ऊपर है। अच्छा, तो इसको देखो, ये मैंने सिंपल ये रिकॉर्ड का शीट बनाया है, एक सिंपल आप रजिस्टर बना सकते हैं जिसके अंदर ये सारे कॉलम आप रख सकते हैं, है ना। ये आप सब लोग जानते हैं, तो मैं उसको डिटेल में सिर्फ उसको भरना सिखाना है। तो दिन में एक बार या दिन में दो या तीन बार कोई तो भी एक जाके वॉचमैन के पास देख सकता है कि ये चीज भरी हुई कि नहीं। आज क्या हो रहा है, इतना हमारे आ रहा है कि नहीं, हमारे फलाने घर में कोई तो आ रहा है, तो हम उसको पूछते कि उसको क्यों परमिशन दिया वगैरह। तो ये सारा अगर मॉनिटरिंग होगा तो वी विल बी रीजनेबली श्योर कि ये सारे लोग जो आ रहे हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में कोविड का इन्फेक्शन लेके नहीं आ रहे हैं। रीजनेबली हम इसमें से पक्का हम ये मान के चल सकते हैं, ये इतना अगर रिकॉर्ड करेंगे तो। ये हमको वॉचमैन को, मैंने कहा ना उनको लिखना आना चाहिए, ये उनको लिखना आना चाहिए। ये मराठी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, किसी भी चीज में इसको हम बना के ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने जाते जाते कुछ स्लाइड्स, क्योंकि बहुत लोगों के पास में साल आ रहे हैं कि ऑलरेडी 2 महीने हो गए लॉकडाउन में, और बहुत जगह हमारे पास में सिटीजन से वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको बगैर मेड कि हम नहीं कर सकते, डोमेस्टिक हेल्प का हम काम नहीं कर सकते। अगर मान के चलो कि अभी मुझे लगता है कुछ कुछ जगह पर जहाँ ग्रीन जोन है वहां पर उन्होंने शायद डोमेस्टिक हेल्प को आने की परमिशन दी है। अगर डोमेस्टिक अगर हेल्प अगर आप आ रहे हैं तो क्या प्रावधान लेने चाहिए। मैं जस्ट एक तो उसका एंट्री ना जब जरूरी है तभी लेना, मिनिमम एंट्री करो नंबर वन, ज्यादा उसको एंट्री देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसको ना सबसे पहले वो तो सिक्योरिटी गेट पे तो हो गई होगा, एक एडिशनल सिक्योरिटी बोल के जैसे आपके घर के अंदर आएगा आप उसको हैंड वॉशिंग, मास्क और ये बोलने को देने का है, और रिस्पिरेटरी एटिकेट्स। अगर खांसी है तो वो आने का सवाल ही नहीं, लेकिन छींक कभी भी आ सकती है ना, क्योंकि किचन में काम करते हैं तो छींक आ सकती है। तो छींकते समय उसको कहना है कि एक तो ये ऐसा छींकना है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये एल्बो के अंदर उसको छींकना है, या तो टिश्यू पेपर में उसको छींक के टिश्यू पेपर को इमीडिएटली डस्टबिन में फेंकना है। ये दो चीज उसको करना है, उसके सामने नहीं ये करना है। एक एडिशनल प्रावधान बोल के ये जो गाइडलाइन बनाई है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने गाइडलाइन बनाई है, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि एडिशनल सेफ्टी के लिए वो घर में आएंगे तो आप एक मास्क उसके लिए अलग से रखिए, और उनको कहना मास्क पहनने का भी एक तरीका है, है ना। अभी मैं उसको भी एक अलग सेक्शन, तो ये मास्क का ना यूज करने का तरीका उसको भी सीखना पड़ेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमने कहा ये मेंटेन करना है उसको, कि आप बहुत पर्स वगैरह वगैरह, और डोमेस्टिक हेल्प के साथ में अगर कोई नहीं आना चाहिए मास्क, जब डोमेस्टिक हेल्प घर में है तो घर के सभी लोगों ने मास्क पहनना चाहिए, और उससे साथ ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा गपशप उससे नहीं लड़ाना है, और ये देखना है कि वो ज्यादा कहीं जगह पर हाथ नहीं लगाना है। वो जब घर में होती है तो हमारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन है, इनको अलग कमरे में आप रखिएगा ताकि उनके साथ में नहीं आना है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि उसका एरिया कौन सा है, कहाँ से आ रही है, उसको ड्रॉप अप और पिकअप इफ पॉसिबल उसको ना करे, और उसका रोज के पैसा देने के बजाय अगर आप उसको महीने में अगर पैसा दे और ई ट्रांसफर करे तो ये अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।